धरातल की स्थिति को समझे बिना जनप्रतिनिधि और अधिकारी बंद कमरों में बैठक कर आमजन और दुकानदार दोनों को परेशान कर रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भीड़ पर नियंत्रण अति आवश्यक है। यही बातें जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की कारीगुजारियों को उजागर कर रही है कि अनलॉक की पहली अवधि में छूट देते हुए अधिकारियों ने 4 जोन बनाए, लेकिन पहले ही दिन सारे नियम कायदे टूटते गए। अब सांसद और मंत्री लेफ्ट राइट का चक्कर व्यापारियों और आम जन को दे रहे हैं, जबकि शहर की स्थिति देखें तो एक लाइन में ही ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सराफा की दुकान है तो कहीं कपड़ा बाजार है। बिना धरातल की सच्चाई जाने लेफ्ट राइट कहां तक सफल होगा, यह गुरुवार को पहले ही दिन हर किसी को नजर आएगा। हालांकि व्यापारी अपनी दबी जुबान में कह रहे हैं कि हमें एक साथ दुकानें खोलने का अवसर दें, हम खुद नियमों का पालन करेंगे, भले ही आप हमारा समय कम रखें। जबकि जनप्रतिनिधियों को यह देखना चाहिए कि वह जिले में लागू हो रहे नियमों को छोटे शहरों में थोप रहे हैं। इस मामले की खास बात यह है कि क्राइसिस की बैठक में शहर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार या अन्य लोगों तक को शामिल नहीं किया गया, मात्र भाजपाइयों द्वारा ही सारे नियम बनाए जा रहे हैं और लागू भी किए जा रहे हैं, जिसके कारण आम जनता और व्यापारी परेशान होते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के लंबे समय के बाद लगभग 51 दिन के बाद ये अनलॉक का जो आज से अभियान चालू हुआ, उज्जैन ज़िले में यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से व्यवस्था की जवाबदारी दी थी, मुझे इस बात का संतोष है। उज्जैन ज़िले में हमारे बाकी जिलों की तुलना में, यद्यपि तो हमारे आसपास के ज़िले बेहतर ज़्यादा संक्रमित थे, लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजा जी, जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जी, हमारे यहाँ के विधायक माननीय दिलीप सिंह जी शेखावत, हमारा जिले के ग्रामीण के अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बरमुंडला, यहाँ के यशस्वी केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी, अर्थात कहने का तात्पर्य सभी नेताओं ने मिलकर के, सभी जनप्रतिनिधियों ने सब सीमाओं से ऊपर उठ करके जितनी जान लगा करके काम किया, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग अपने ज़िले में आज की पॉजिटिविटी हमारे 0.5% आई है। 0.5% का अर्थ ये है कि हमारी कई तहसीलें जीरो में आई है। बड़नगर जैसी ज़्यादा संक्रमित तहसील पिछले 7 दिन से जीरो आई है। तो ये जो एक ट्रेंड बना है, इस ट्रेंड का संतोष ये है कि आगे जा कर के जो हमारा कष्ट का समय है वो धीरे धीरे ऐसा लगता है भगवान को बाहर ला रहा है। लेकिन अगर अपन उसके उल्टे में अगर एलोपैथी की दृष्टि से इसको अगर बाकी आकलन में लेंगे तो जो अभी हमारे मरीज है हॉस्पिटल में है, आइसोलेटेड है, वो लगभग हमारे 400 के आसपास ज़िले में है जो होम आइसोलेटेड है या अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। तो हमने कहा कि जब तक ये जीरो की स्थिति में नहीं आएगा तब तक हमारा ये पूरा अभियान पूरा नहीं होगा, लेकिन समान रूप से हमको विकास की बाकी गतिविधियाँ भी संचालित करना है। तो सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी इंडस्ट्रियाँ, सभी इंडस्ट्रियों से जुड़े हुए अन्य प्रकार के उद्योग और ख़ास करके जो विकास की गतिविधियाँ जो अभी तक रुकी पड़ी थी और आम जनजीवन सामान्य करने की दिशा में, जैसे शादी विवाह और मांगलिक काम, जो भी एक निश्चित दायरे में हमने इसको अनुमति दी है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री ने दोबारा इस बात के लिए कहा कि आप अपने अनलॉक के बाद अपना एक पूरे ज़िले का सब आकलन अभी प्रभारी मंत्री करके आए। तो हमने हमारी टीम बनी हुई है, माननीय सांसद जी मेरे साथ है, जिलाध्यक्ष जी, हमने अपनी स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट जो है उस कमेटियों को जोड़ करके दोबारा समीक्षा का एक निर्णय किया है। मुझे संतोष है इस बात का कि जो हमने कल्पना की थी उसके नज़दीक हम लोग पहुँचे हैं। कुछ एक दो विसंगतियों को बैठ कर दूर कर लेंगे, समझ भी लेंगे। कहने का तात्पर्य कि जो ढंग से लॉकडाउन में हमने पूरी एकजुटता के साथ इन सब बातों से बाहर आए, आज हम अपने उत्साह और जो उमंग है उससे लवरेज होकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई जरा भी हमारी लापरवाही तकलीफ दे जाएगी। जैसा आपकी जानकारी के लिए आज से 1 अप्रैल के दिन पर चले जाएँ तो हमारे पास नागदा, खाचर और दुनहेल में 0 ऑक्सीजन बेड थे। आज की स्थिति में हम संतुल और संतोषजनक अवस्था में, खास करके ICU भी यहाँ पे तैयार कराया है, एक ASA का हॉस्पिटल मिल गया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपके पास आए थे, लेकिन आपने PSA जहाँ चालू कर लिया है, तो इसका मतलब है कि हमने बहुत अच्छी स्थिति में अपनाया है। उम्मीद करता हूँ आपके सबके भरोसे से अब जब अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं तो जो शासन ने निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से हमारी बाकी गतिविधियाँ भी सामान्य रूप से चलती जाएंगी। खास करके जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, हमारे पास में सायंकाल 6 बजे तक का अभी मार्केट बंद करने का निर्णय है, आने वाले 7 दिन बाद पुनः रिवीजन करेंगे। कुछ आपस में विसंगतियों को भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो अभी हमारी
जड़ है, जहाँ जहाँ भी हमारा संक्रमण के क्षेत्र है। कुछ पंचायत जरूर छाटी है हमने, जो पंचायतों में 1 से लेकर 5 तक के अभी हमारे संक्रमित बीमार मौजूद है, उन पंचायतों को अभी नहीं खुलने वाले हैं, उनको हमने अभी लॉकडाउन में लिया हुआ है। लेकिन जिन पंचायतों में अब हम शून्य के नीचे आए हैं, उन पंचायतों में हमने सामान्य जीवन के लिए कृषि खाद बीज बाकी व्यवस्था जुटा करके, जो खेती किसानी का बेल्ट उसमें मदद करने की बात कर रहे हैं, जो बाकी जनजीवन व्यापार की दृष्टि से बढ़ाना चाहते हैं उसमें मदद की बात कर रहे हैं। मंत्री जी, अभी हमने देखा, देखिए अभी जिले में तो वो आता ही है एकदम, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज है, ये बड़ी बात है। और मेडिकल कॉलेज, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी लॉकडाउन के कारण से पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर फाइनेंशियली बहुत सारे अभी हमारे कई दबाव है, जिन दबावों के आधार पर आने वाले समय में फैसले करेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ भारत सरकार की पॉलिसी है, खासकर कोविड के बाद, तो उम्मीद करिएगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लाभ मिलेंगे, जिसमें आपकी जो बात हो रही, हो सकता है कि आपको छोटे स्थान पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बाद में परमिशन मिल जाए। तो अभी आने वाली हेल्थ या हॉस्पिटेलिटी वाली जो योजनाएँ हैं, उस दिशा में जो नई नई सुविधाएँ, नई सौगात देंगे, तो अभी अपने इसमें कुछ बोलेंगे थोड़ा जल्दबाजी। ऐसा हो सकता है उज्जैन कह सकते, काल्पनिक प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकते। जरा 7 दिन बाद का आपने बोला कि 7 दिन बाद रिविजन करेंगे हम लोग वापस, 7 दिन में क्या संभावना बनेगी तो पूरा बाजार खुलेगा? देखो, आप पिछले 7 दिन देखो तो हमारे यहाँ हमारी 5% के आसपास पॉजिटिविटी की दर थी और आज 0% पर पहुँची है। तो ये जो 7 दिन के अंदर जो जो वायरस है, उस वायरस की पोजिशन जो दिखती जा रही है, उसने हमको इस मामले में संतोष दिलाने का प्रयास किया कि हमारा वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रहा है, हमारी डिस्टेंसिंग प्रॉपर हो रही है, हमारा लॉकडाउन प्रॉपर हुआ है। तो इससे कई संकेत भविष्य के मिल रहे हैं, जिस आधार पर अपन उम्मीद कर सकते हैं कि 7 दिन बाद बहुत अच्छी स्थिति बनेगी तो कुछ और अच्छा निर्णय करेंगे। 1% से कम तो अभी आ चुकी है, आ चुका ना, 0% 0.5% है, 400% 400 केस हमारे ऑलरेडी घरों में या बाकी जगह मौजूद है। जब तक ये 2-4 दिन बाद बिल्कुल और नीचे तक जाएंगे, हो सकता हमारे जो 6 बजे का समय ये 8 बजे तक हो जाए, 10 बजे तक हो जाए, बाजार भी शायद बाजार के लिए भी हाँ वो सब नहीं हो सकते। तो अभी अपन उम्मीद पाल सकते हैं कि जिस हिसाब से हम आगे चल रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कोरोना तो अभी ये 6 महीने खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यक सावधानियाँ हमको लगातार रखते हुए जीने की आदत डालना पड़ेगी। इसकी जो लहर आती है, जिस ढंग से हमने देखा कि लास्ट ईयर मार्च 21 से चालू होकर के ये मार्च 20 से चालू होकर के 21 भी निकल गया आधा हमारा, तो ये आप मान के चलो कि ये जो जीवाणु है, जीवाणु के साथ जैसे चेचक से, हैजा से, मलेरिया से पिछले समय में अपने देश ने मुकाबला किया, तो उस तरह से इसकी तैयारी रखना पड़ेगा। प्रदेश भर के कॉलेजों को खोलने को लेकर, एग्जाम को लेकर क्या रणनीति बन रही है शिक्षा विभाग? बहुत सीधी रणनीति है, हमने बहुत अच्छे से काम किया है। लगभग हमारी जितनी यूजी पीजी की सब मिलाकर के 18 लाख तो हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर में कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, लगभग 2 लाख विद्यार्थी हमारे यूजी पीजी के प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में है। इन सबके एग्ज़ाम हमने ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से जुलाई तक पूरी करने वाले हैं और अगस्त में किसी हालत में रिजल्ट आ जाएगा। और इसी के समानांतर 12th की परीक्षा जुलाई में करा रहे हैं, हाँ जून जुलाई में। और इसके लिए हमने अभी बात भी करने वाला हूँ कि हमारे जो सेंटर बनेंगे वो छोटे छोटे स्थान पर सेंटर बनेंगे, ओपन बुक के माध्यम से हर विद्यार्थी अपनी परीक्षा की कापी नज़दीक के हायर सेकेंडरी स्कूल या कोई मिडिल का या कोई पंचायत भवन देगा, वहाँ कलेक्शन सेंटर बनेंगे। तो हम समान रूप से कहीं पर भीड़ नहीं आने देंगे, हर बच्चे को परीक्षा दे करके उसके लिए अनुकूलता के साथ वो परीक्षा की कापी जमा कर सके, ऐसा व्यवस्था करा है। कॉलेज खोलने को लेकर कब संभावना है स्टेशन? जैसे हमारी परीक्षा निपटी की कॉलेज खोल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? मंत्री जी, विपरीत सिटी स्कैन मशीन की भी जरूरत है नागदा में। देखिए, मैंने कहा कि अभी आपको भविष्य के गर्भ की बात कर रहा है, खाली सिटी स्कैन मशीन नहीं है हमारे पास, इसमें बहुत सारी संभावना है। अभी मान के चलो कि जो अत्याधुनिक सुविधा के सुपर स्पेशलिटी तमाम तरह की जो सुविधाएँ, वो सब कुछ चाहिएगी। आपको सब सिखा दिया इसने, जो अपना एक तरह से कोविड में आपदा में जो एक तरह से हमारे लिए एक अच्छी संभावना ये बनी कि हेल्थ सेक्टर को समग्र रूप से विचार करने की ज़रूरत है। इसमें जो जो ज़रूरत है, कोशिश ये करेंगे कि आपके आने वाले समय में नागदा अपने आप में परिपूर्ण एक हेल्थ का विभाग बन जाए। मंदिर जी, वैक्सीन इसका अंतर हमने ऐसा पाटा कि जहाँ जिले में हमने इसकी एक व्यवस्था बनाई है कि जहाँ ज़्यादा भीड़ का दबाव बनने वाला है, वहीं एसोसिएशन के लोगों के नाम की सूची मंगाई है और कलेक्टर को SDM के माध्यम से पावर दे, SDM को कलेक्टर के माध्यम से पावर दिलवा रहा है कि वो अपने एसोसिएशन के, जैसे खासकर अभी बाजार जहाँ खुल रहे हैं तो बाजार के लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए,
उसमें उनके काम करने वाले लोग 18 के ऊपर के वाले उनका भी वैक्सीनेशन हो जाए, उनसे जुड़े हुए परिवार के अंदर के जो भाई भतीजे उनका वैक्सीनेशन हो जाए। कहने का तात्पर्य कि जहाँ जहाँ हमारे संक्रमण के फैलने की संभावना है वहाँ वहाँ हम ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, उसमें वैक्सीनेशन भी एक हिस्सा है। दूर देहात में हम 2 दिन बाद कर देंगे, लेकिन पहले हमारी जो ऐसी भीड़ वाले बाजार हैं या फल वाले सब्जी वाले ठेले वाले या स्वास्थ्य के जाते हैं या दूध वाले जो घर घर जाते हैं, इस टाइप के लोगों को भी ढूंढ ढूंढ के हम वैक्सीनेशन कर जाने वाले हैं। जागरूकता कमी जो भी हमने देखा है कि यार थोड़ी थोड़ी समझने का अंतर पड़ जाता है, कहीं ऐसी घटना ना हो इसका हम सारा प्रबंध। मतलब ब्लैक फंगस में हमने ये प्रयास किया है कि ब्लैक फंगस जहाँ भी होगा जहाँ बीमार वहाँ उपचार। वैसे तो सरकार ने 5 मेडिकल कॉलेज अनाउंस किए थे, उसमें अभी वो 5 मेडिकल कॉलेज में हमारा मालवा छूट गया था उज्जैन संभाग खास करके, लेकिन उसके बावजूद हमने रतलाम को भी सेंटर बनवाया और उज्जैन को जिला अस्पताल को भी सेंटर बनवाया है। आज की स्थिति में हमारे वहाँ लोगों का इलाज भी हो रहा है। ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जिसके पास इंडोस्कोपी मशीन है जहाँ ब्लैक फंगस को पहचान सकते हैं वहाँ पर भी हमको वैक्सीन, लेकिन वो उसको चार्ज के साथ दे रहे हैं जो जिस समय जो कीमत होती है उसके साथ, लेकिन इलाज सब दूर करवा।